ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का डाला है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। सोते करेंगे। अब इसमें बंद गोभी डाल देंगे। गाजर, शिमला मिर्च, इनको मिक्स करूंगी। फ्लेम तेज है, इसको 5 मिनट ऐसे मिक्स करती रहूँगी। अब इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ जो मैंने बॉईल किया था, और इसकी ग्रेवी यखनी भी साथ ही डाल रही हूँ। इसको 5 मिनट ऐसे भुनाई करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको करते हुए। अब मैं इसमें सब्ज मिर्च डाल रही हूँ जो मैंने 4 ली थी, मिक्स करूंगी। अजीनोमोटो 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, फिर हम अपना टेस्ट देख लेंगे। एक टेबलस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, 1 टीस्पून सफेद मिर्च, 1 टेबलस्पून, सिरका 3 टेबलस्पून, चिली सॉस 3 टेबलस्पून, मिक्स करेंगे इनको। चिकन को हमने इसमें मिक्स कर दिया था, उसके रेशे नहीं बनाए थे, ऐसे चम्मच से ही उसके रेशे बन गए हैं, वो अच्छा गला हुआ था। इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, फिर हम इस सैंडविच बनाएंगे, इससे ब्रेड पे लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, फ्लेम को थोड़ा कम करेंगे और अब हम इसमें रोल डालेंगे। जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसे पलट देंगे। ये देखिए रे व्यूअर्स, एक साइड से गोल्डन हो गए हैं, अब हम दूसरी साइड से इसे गोल्डन कर रहे हैं। और हम जो इसको इसका फ्लेम हमने कम किया है, इसका ये मकसद होता है कि जो हमने ये पट्टी ली है ये हाफ कुक होती है, हाफ हमने यहाँ पे कुक करना होता है, इस वजह से इसका फ्लेम मैंने लो किया है। चिकन वेजिटेबल रोल है व्यूअर्स। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये देखें व्यूअर्स, हमारे चिकन वेजिटेबल रोल तैयार हैं। रमज़ान में इस इफ्तारी के वक्त आप इसे खाएं, और या फिर आप ऐसा बना के रख लें अपने बच्चों का, जिनका छोटे हैं, रोज़ा नहीं है, उनको ब्रेकफास्ट में या लंच में उनको दें। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे चिकन वेजिटेबल रोल तैयार हैं।